गैसों के व्यवहार को समझने के लिए कई नियम दिए गए। ये जो नियम हैं ये अलग अलग परिस्थितियों के लिए दिए गए कि तापमान स्थिर होने पर किस प्रकार से परिवर्तन होगा गैसों के व्यवहार में, दाब स्थिर होने पर किस प्रकार परिवर्तन होगा, यदि आयतन स्थिर होता है तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग नियम दिए गए। सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने 1662 में दाब और आयतन के मध्य जो संबंध है स्थिर तापमान पर उसे बताया। तो जब स्थिर तापमान पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा के लिए यदि वहाँ दाब बढ़ाया जाता है तो आयतन में कमी देखने को मिलती है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे आयतन में कमी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने जो नियम दिया वो दाब का आयतन पर प्रभाव, इस चीज़ को समझाया। और दाब का आयतन पर जो प्रभाव है वो हम देखते हैं कि जैसे जैसे दाब में वृद्धि की जाती है आयतन में कमी होने लगती है। तो दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी होगी। यहाँ दाब और आयतन के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखने को मिला। तो इन्होंने जो नियम दिया, जो स्टेटमेंट दिया वो ये है कि स्थिर तापमान पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा के लिए या किसी भी गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन है V वह इसके दाब के अर्थात P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो V व्युत्क्रमानुपाती है 1/P के। तो यहाँ पर हम V समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं 1/P, और यहाँ पर हम देख रहे हैं स्थिर तापमान है, गैस की जो मात्रा है वो निश्चित है। तो V बराबर का चिन्ह लगा, एक स्थिरांक लगाते हैं तो K बटा P, तो पी वी इक्वल टू K। तो यहाँ पर हम नियम को और अलग तरीके से कह सकते हैं कि स्थिर तापमान पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन होगा और उसका जो दाब है दोनों का गुणनफल एक स्थिरांक होता है। तो पी वी इक्वल टू K को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्थिर तापमान पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का जो आयतन है एवं दाब है इसका गुणनफल सदैव एक स्थिरांक होता है। तो अलग अलग कंडीशंस में जैसे अगर दाब P1 है, आयतन V1 है, यदि दाब P2 है तो आयतन V2 होगा। तो अलग अलग परिस्थितियों में भी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करके एक्सप्लेन किया जा सकता है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करके कई प्रकार के संख्यात्मक प्रश्नों को भी हल किया जा सकता है। यदि इसमें से तीन मान दिए हुए हैं तो दूसरा अलग जो मान नहीं दिया हुआ है वह मान यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है। तो बायल के नियम को जब बताया गया तो इसमें दाब एवं आयतन के परिवर्तन का जो अध्ययन है उन्होंने किया, तो अलग अलग ग्राफ भी प्राप्त हुआ। तो बायल के नियम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो तीन तरीके से किया जा सकता है। पहला हम देखते हैं कि जब दाब एवं आयतन के मध्य ग्राफ खींचा गया तो दाब के अलग अलग मानों पर आयतन के अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि नियम में हमने देखा कि दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी होती है, तो जैसे जैसे यहाँ पर दाब बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आयतन में कमी हो रही है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इसे समकोणीय अतिपरवलय कहते हैं, ये प्राप्त होता है। और जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे आयतन में कमी हो रही है। तो इस प्रकार के वक्र को आइसोथर्म ग्राफ भी कहा जाता है। यहाँ पर चूंकि तापमान स्थिर है इसलिए इसे आइसोथर्म वक्र या आइसोथर्म ग्राफ के रूप में भी कहा जा सकता है। अब इसी कंडीशंस को लेते हुए यदि हम अलग अलग दाब लेते हैं P1, P2, तो V1, V2 इस तरह से परिवर्तन होगा, तो उसके लिए जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से है। यदि गैस का आयतन V2 है और दाब P2 है तो दाब यदि कम होता है P2 से कम होकर P1 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो आयतन है वो बढ़ जाएगा क्योंकि दाब और आयतन के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो जब दाब P2 से घटकर P1 हो जाता है तो आयतन में भी परिवर्तन होगा। तो दाब घटने पर आयतन में वृद्धि होगी, तो P1 स्थिति में जो आयतन होगा वह V1 होगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ देखते हैं P1 V1 और P2 V2, इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है। तो आयतन एवं दाब के मध्य यहाँ पर ग्राफ खींचा गया, यहाँ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने को मिलता है। दूसरा ग्राफ हम देखते हैं कि यदि आयतन एवं 1/P के बीच, या इसे हम उल्टा भी कर सकते हैं,
पी और 1/v के बीच में ग्राफ खींचा गया तो यहाँ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और ये जो सरल रेखा है वह मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो यहाँ आप देखिए कि दाब और 1/v के बीच में ग्राफ खींचा गया, तो दाब एवं 1/v के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध को ही दर्शाया जा रहा है और एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से होकर के गुजरती है। तीसरी स्थिति है जब PV और P के बीच में ग्राफ खींचा गया, तो जब PV और P के बीच, PV अर्थात दाब एवं आयतन गुणनफल एवं दाब के मध्य ग्राफ खींचा गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PV को Y अक्ष पर लिया गया है और P को X अक्ष पर लिया गया, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है या हम इसे एक क्षैतिज रेखा कह सकते हैं जो कि X अक्ष के समानांतर आगे की ओर जा रही है। तो यहाँ पर जो ये सीधी रेखा प्राप्त हुई है यह सिद्ध करती है कि किसी भी गैस की निश्चित मात्रा के लिए जो PV बराबर हम देखते हैं वो स्थिरांक होता है, तो यानी PV P×V दाब एवं आयतन का गुणनफल एक स्थिरांक होता है। तो यहाँ पर ये सरल रेखा जो कि एक क्षैतिज रेखा है, एक समानांतर रेखा है, X अक्ष के समानांतर आगे की ओर बढ़ रही है, जो PV=K अर्थात दाब आयतन गुणनफल का मान एक स्थिरांक होता है, इस बात को यह प्रूव करती है। बायल के नियम के आधार पर यदि घनत्व एवं दाब के मध्य संबंध देखते हैं तो एक अलग रिलेशन यहाँ दिखाई देता है। जब हम घनत्व का सूत्र देखते हैं तो द्रव्यमान बटा आयतन, इसी फॉर्मूला को हम बायल के नियम के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए m/v द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व, तो यहाँ यदि v=2 करेंगे तो m/d अर्थात द्रव्यमान बटा घनत्व। तो बायल के नियम के अनुसार हम इस सूत्र को लिख सकते हैं, बायल के नियम में हमने देखा PV=K, तो PV के जगह पे हम लिख सकते हैं P×m/d। और यदि अलग अलग दाब और अलग अलग आयतन की स्थिति हम देखते हैं, जैसे P1V1=P2V2 हमने देखा, तो उन्हीं मानों में यदि घनत्व की वैल्यू को रखते हैं तो किस तरह से परिवर्तन होगा, तो P1×m1/d1, और दूसरी स्थिति है P2×m2/d2। यदि इन सभी में हम देखें कि गैस की निश्चित मात्रा है यानी जो द्रव्यमान है वह निश्चित है, तो ऐसी स्थिति में हम m को समान मानेंगे, तो अब हमारे पास जो रिलेशन है वो P/d=P1/d1 और P2/d2, इस तरह से एक संबंध हमें दिखाई देता है। तो P/d=स्थिरांक, तो ये हम P/d बराबर एक स्थिरांक देख रहे हैं, तो P समानुपाती होगा D के, तो यहाँ पर स्थिरांक और जो बराबर चिन्ह है वो मिलाते हैं तो एक समानुपाती चिन्ह आ जाएगा, तो P समानुपाती होगा D के। तो यहाँ पर एक नई स्थिति देखने को मिलती है घनत्व और दाब के मध्य जो संबंध है। तो बायल के नियम के अनुसार एक और नियम को हम देखेंगे कि स्थिर तापमान पर किसी भी गैस के निश्चित मात्रा के लिए जो दाब है वह घनत्व के समानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ाने पर घनत्व में वृद्धि होगी, दाब कम करने पर घनत्व में कमी होती है। इसी नियम को कई जगह हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे इसके, बहुत सारा इसका महत्व भी है बायल के नियम से संबंधित, जो अपने प्राकृतिक घटनाओं में भी देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि होगी, दाब कम होने पर घनत्व में कमी होती है। बायल के नियम से संबंधित कुछ महत्व को हम जानेंगे। तो गैसें जो है वो संपीड्य होती हैं, ये हमने देखा है, जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है तो गैस के अणु एक निश्चित आयतन में ही समाने की कोशिश करते हैं, तो इस जगह पर जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वो सारे के सारे अणु एक कम आयतन वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उसी क्षेत्र में रहने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे दाब बढ़ाया जाता है गैस के अणुओं की उतनी ही संख्या है तो वो कम आयतन घेरने की कोशिश करती है, अर्थात ये उसके लिए बाध्य हो जाती है कि इसे उतने ही कम आयतन में सारे अणुओं को रहना है। तो दाब बढ़ाने पर गैस के अणुओं की संख्या तो उतनी है लेकिन आयतन में कमी होती है, सारे अणु उस छोटे से आयतन में रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जो समुद्र के ऊपर जो हवा का घनत्व होता है
वो यहाँ पर देखते हैं वायु बहुत घनी होती है समुद्र की सतह पर, क्योंकि यहाँ पर ये अपने ऊपर की जो वायु के द्रव्यमान से ये संपीड़ित होने लगती है। तो आयतन में जैसे जैसे कमी होती है घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आयतन में कमी हो रही है तो घनत्व में वृद्धि होती है। जैसा हमने अभी देखा कि स्थिर तापमान पर दाब बढ़ाने पर घनत्व में भी वृद्धि होती है, तो आयतन में यदि कमी हो रही है तो घनत्व में वृद्धि होगी। और जैसे जैसे हम समुद्र सतह के उदाहरण को देखते हैं कि समुद्र के सतह के पास जो वायु है वो बहुत अधिक घनी हो जाती है, तो यहाँ पर जो वायु है उसके घनी होने का कारण ये है कि ये अपने ऊपर के वायु के द्रव्यमान से संपीड़ित हो जाती है। और जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जो हवा है वो कम घनी होने लगती है। तो इस प्रकार ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि हवा में ऑक्सीजन की इतनी पर्याप्त मात्रा नहीं होती है कि सांस लिया जा सके, तो इसलिए सांस लेने में कठिनाई होती है। तो जब भी पर्वतारोही ऊपर जाते हैं पर्वतारोहण में तो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वायु कम घनी होने लगती है, तो कम घनी होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी होती है, इस वजह से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाने की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि दाब के स्थिर होने पर आयतन एवं तापमान में क्या संबंध दिखाई देता है। इस नियम को सबसे पहले जे चार्ल्स ने अध्ययन किया। उन्होंने ये देखा कि यदि दाब स्थिर है तो आयतन एवं तापमान में समानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो चूंकि गैस है तो तापमान बढ़ाने पर गैस फैलते हैं, मतलब उसका आयतन बढ़ता है, तो ताप बढ़ाने पर गैस के अणु ज़्यादा जगह घेरने लगते हैं। यहाँ पर चार्ल्स ने जो नियम दिया उस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैसों के आयतन पर तापमान का प्रभाव दिया, तो गैस की निश्चित मात्रा के लिए स्थिर दाब पर गैस का आयतन गैस के परम तापक्रम के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर V समानुपाती है T के, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर KT होगा, तो V by T equal to K। और यहाँ पर भी हम अलग अलग आयतन और अलग अलग तापमान को देखेंगे तो V1 upon T1 equal to V2 upon T2, इस तरह से इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर हमने देखा कि तापमान बढ़ता है तो गैसें अधिक आयतन की तरफ जाती हैं, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे गैसों का आयतन भी बढ़ेगा। तो यह व्यवहार जो देखा गया उनके द्वारा ये स्थिर दाब पर देखा गया और गैसों की एक निश्चित मात्रा के लिए देखा गया, एक निश्चित द्रव्यमान लिया गया गैसों का और उस पर ताप और आयतन के प्रभाव का अध्ययन उन्होंने किया। चार्ल्स के नियम का जो स्टेटमेंट है उसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी भी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है अर्थात V, वह परम तापक्रम के समानुपाती होता है। और यहाँ पर उन्होंने देखा कि यदि एक डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि कर दी जाती है तो वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना आयतन था उसके अनुसार वह आयतन एक बटा 273वां भाग, यदि एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो एक बटा 273वां भाग आयतन जो है वो बढ़ेगा, और यदि एक डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देते हैं तो उतना ही अर्थात एक बटा 273वां भाग घट जाता है। तो इसे हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रत्येक एक डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाले आयतन का एक बटा 273वां भाग बढ़ेगा, और प्रत्येक एक डिग्री सेंटीग्रेड में कमी होने पर जो गैस का आयतन है वह अपने पुराने पूर्व आयतन का एक बटा 273वां भाग घट जाता है। तो यहाँ पर जो हम गैसों का आयतन देखते हैं वह जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है और टेम्परेचर बढ़ाने पर वह कितना होगा, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। चार्ल्स के नियम को यदि हम दूसरे वैकल्पिक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी गैस का जो निश्चित द्रव्यमान है और स्थिर दाब पर यदि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन देखा जाए तो वो V0 होगा, क्योंकि यदि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर हम किसी गैस के आयतन को लेंगे तो वो V0 होगा, और यदि वन डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन को लेते हैं तो वो V1 होगा। तो इस तरह से चार्ल्स के नियम के अनुसार हम इस संबंध को
अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा हमने देखा कि बढ़ाते हैं तो 1/273 भाग आयतन का उतना ही बढ़ जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन था उसकी तुलना में। तो इस संबंध को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, V1 = V0 + V0/273। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V0 से ये जो मान है वो 1/273 भाग बढ़ गया। इसी को यदि हम दूसरे तरीके से व्यक्त करेंगे तो V1 = V0, और इसे हम यदि सरल करते हैं तो 1 + 1/273। और यदि टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर ये संबंध होगा V2 = V0 (1 + 2/273). यदि टी डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया जाए, यानी तापमान टी डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अलग अलग टेम्परेचर ना लेकर यदि हम इसे कॉमन रूप से टी डिग्री सेंटीग्रेड ले लें तो ये संबंध होगा VT = V0 (1 + T/273), जो कॉमन रूप से प्रत्येक बढ़े हुए टेम्परेचर को या घटे हुए टेम्परेचर को शो कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये संबंध किस प्रकार होगा, यदि -1 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो V के नीचे हम लिख रहे हैं -1 = V0 - V0/273। जैसा कि हमने देखा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि घटा दिया जाए तो वह अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन की तुलना में 1/273 भाग कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V0 - V0/273 आता है। इसी को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि V - 1 = V0 (1 - 1/273). यदि -T डिग्री सेंटीग्रेड कॉमन रूप से वही ले लेते हैं कि यदि टेम्परेचर अलग अलग तरीके से अलग अलग टेम्परेचर लिया जाए तो कॉमन रूप से हम टी डिग्री सेंटीग्रेड कम करते हुए इसे मानते हैं, तो टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस है और -T डिग्री सेंटीग्रेड पर V - T = V0 (1 - T/273). यहाँ पर 1 - T/273 है, अर्थात इतना ही वो घट जा रहा है आयतन, जो पुराना आयतन था उसकी तुलना में। यदि टेम्परेचर घटाते घटाते एक स्थिति ऐसी आती है कि हम टेम्परेचर -273 करते हैं तो क्या स्थिति आएगी, तो V - 273 = V0 (1 - 273/273). जैसा हमने ऊपर लिया था टी डिग्री सेंटीग्रेड तो उसी को हम 273/273 करते हैं। तो यहाँ पर 273 कैंसिल होगा तो 1 - 1 = 0। तो अब जो संबंध आया V - 273 = V0 × 0, तो V0 × 0 अर्थात 0 आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -273 जो टेम्परेचर घटाते घटाते आते हैं, और यहाँ पर आयतन की स्थिति देखते हैं कि आयतन शून्य हो जाता है। तो -273 टेम्परेचर पर जो आयतन है गैस का वह शून्य हो जाता है। तो ये जो आयतन है ये सैद्धांतिक रूप से संभव है, प्रायोगिक रूप से ये संभव नहीं होता है, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर पर कोई भी गैस का आयतन जो है वो होगा, क्योंकि गैस जो है वो द्रव्य है। तो आयतन यहाँ पर शून्य कभी नहीं हो सकता, या तो वह गैस द्रव रूप में या फिर वह गैस ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगी इतने कम टेम्परेचर पर। तो यह वैल्यू सैद्धांतिक रूप से ही संभव है, प्रायोगिक रूप से यह वैल्यू संभव नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस का आयतन है वो शून्य हो जाता है। तो इस तापमान को हम कह सकते हैं कि यह एक काल्पनिक तापमान है जिस पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, इसे परम शून्य भी कहते हैं। तो ये वह निम्नतम तापमान है जिस पर कोई भी गैस सैद्धांतिक रूप से रह सकती है, किंतु वास्तविकता में देखा जाए तो इतने कम टेम्परेचर पर वह गैस द्रव या ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगी। परम शून्य से तापक्रम का पैमाना यदि चुना जाता है तो उसे परम तापक्रम
पैमाना या फिर परम पैमाना प्राप्त होता है। इस तरह से इसे हम केल्विन स्केल के रूप में जानते हैं। तो केल्विन वैज्ञानिक के द्वारा यह दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा केल्विन पैमाना या केल्विन स्केल। तो यहाँ जो डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में -273 लिया गया है, इक्वल टू यह होता है 0 केल्विन। तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 0 केल्विन ये होता है। तो इसे हम -273 के रूप में व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये वैल्यू -273.15 होता है। तो इतने कम टेम्परेचर पर जो गैस का आयतन है वह शून्य माना जाता है, लेकिन ये संभव नहीं है। यहाँ पर ब्रिटिश वैज्ञानिक जो केल्विन है उनके द्वारा ये स्केल दिया गया, इसलिए इसे केल्विन स्केल का नाम दिया गया। और केल्विन पैमाने पर जो तापमान है टी को हम केल्विन के रूप में जब भी इसे व्यक्त किया जाएगा, जैसे यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लिखते हैं, और मान लीजिए कि जल के बारे में ही हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे हम केल्विन पैमाने पर चेंज करेंगे तो 0 प्लस 273 इक्वल टू होगा 273 केल्विन। यदि हम जल के क्वथनांक की वैल्यू देखेंगे तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड में। इसे यदि केल्विन स्केल में परिवर्तित करेंगे केल्विन पैमाने में, तो यह तापमान होगा 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन टेम्परेचर। तो अलग अलग स्केल दिया गया। तो यहाँ पर जो केल्विन स्केल है वो ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। अब यदि चार्ल्स के नियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि दाब स्थिर है, आयतन एवं तापमान के मध्य ग्राफ खींचा जाना है। तो यदि तापमान को केल्विन स्केल के रूप में दर्शाया जाएगा और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिया गया, तो गैस के आयतन और तापमान के मध्य जब ग्राफ खींचा गया तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और ये सरल रेखा जैसे जैसे इसका एक्सट्रापोलेशन किया जाएगा तो ये मूल बिंदु तक पहुँचती है। जब ये सरल रेखा तो है, लेकिन जैसे जैसे इसका एक्सट्रापोलेशन या बहिर्वेशन किया जाता है तो ये मूल बिंदु को छूती है। और यदि तापमान को x अक्ष पर लिया जाए और आयतन v को y अक्ष पर लिया जाए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और सरल रेखा जो प्राप्त हुई उसमें हमने देखा कि जैसे जैसे उसका एक्स्ट्रा प्रोटेशन किया गया, तो एक्स्ट्रा प्रोटेशन करते करते वह इतने टेम्परेचर तक पहुँच जाता है जहाँ पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये जो बहिर्वेशन के बाद हमें मूल बिंदु तक ये पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये टेम्परेचर होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने तापमान पर जो आयतन है वह शून्य हो जाता है। तो यहाँ इस ग्राफ में इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे -273 डिग्री सेंटीग्रेड आता है उस गैस का आयतन शून्य हो जाता है। तो इसे परम शून्य भी कहते हैं। तो इसे हमने ग्राफ के द्वारा भी समझा कि यदि दाब स्थिर है तो आयतन बढ़ता है यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब तापमान को कम करते करते -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते हैं तो उस गैस का जो आयतन है वह परम शून्य तक पहुंचता है। यदि दाब स्थिर रहे और आयतन एवं तापमान के मध्य संबंध को देखा गया जो चार्ल्स के नियम के अनुसार, तो उसे और ज़्यादा सिद्ध करने के लिए अलग अलग तापमान पर गैसों का आयतन अलग अलग प्राप्त होता है। इसके लिए जब उन्होंने V बटा T का अनुपात ज्ञात किया तो सभी आयतन के लिए जो सभी तापमान के लिए सभी आयतन जो प्राप्त होता है वहाँ पर हम देख रहे हैं V बाई T की वैल्यू स्थिर होती है। तो यहाँ जो तापमान आयतन और तापमान आयतन का जो अनुपात होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर लिया गया, जैसे 273 टेम्परेचर यदि केल्विन में लिया गया है तो आयतन यहाँ पे प्राप्त हुआ 819। तो ये जो आयतन है यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आयतन में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो आयतन में भी बढ़ोतरी होती है। और यहाँ पर V/T का जो अनुपात है वो हर एक कंडीशन में स्थिर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने जो देखा था कि V1/T1 = V2/T2, तो ये जो संबंध था यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्थिरांक प्राप्त होता है। तो सभी अलग अलग टेम्परेचर पर जो अलग अलग आयतन प्राप्त हुआ उसका अनुपात एक स्थिरांक होता है।
अलग अलग टेम्परेचर पर स्थिर दाब पर जो गैस का द्रव्यमान है और वहाँ पर हम निश्चित जो द्रव्यमान ले रहे हैं वहाँ जो आयतन का मापन किया जाता है, तो आयतन के मापन के बाद V बाई टी जब ज्ञात किया जाता है तो एक स्थिर वैल्यू प्राप्त होती है, यानी हर एक कंडीशन में यह मान समान प्राप्त होता है। चार्ल्स के नियम का उपयोग हम दैनिक जीवन में कई जगह पर देखते हैं, जैसे गर्म वायु के गुब्बारे को उड़ाने में या मौसम संबंधी जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब गैसें गर्म होती हैं तो गर्म होने पर वो फैलती हैं और उच्च तापमान पर एक इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान है वह कम हो जाता है, यानी घनत्व वहाँ पे कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम गर्म वायु की तरफ जाते हैं देखते हैं कि वह विरल होती जा रही है और ठंडी वायु जो है वो सघन होती है। तो इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन के गुब्बारे में। तो हाइड्रोजन के गुब्बारे में हवा के द्वारा जब इसे उड़ाया जाता है तो इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और चार्ल्स के नियम का उपयोग करके मौसम संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जाती है। तो गर्म वायु विरल होती है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन में भी वृद्धि होती है, तो एक निश्चित क्षेत्र में गैस के अणुओं की जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि आयतन में वृद्धि हो रही है। तो जैसे जैसे गर्म वायु की तरफ हम जाते हैं तो आयतन में कमी होती है, तो यहाँ पर वह गर्म वायु विरल हो जाती है, घनत्व में कमी आ जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम किया जाता है तो घनत्व में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि आयतन कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर यदि कम होगा तो अणुओं की संख्या एक छोटे से आयतन में समा जाएगी। तो यहाँ पर जो वायु है वो कम टेम्परेचर पर सघन हो जाती है। चार्ल्स के नियम के आधार पर यदि घनत्व और तापमान के मध्य संबंध देखा जाए तो वो किस प्रकार से होगा, जैसा हमने देखा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो चार्ल्स के नियम को जब हम अलग अलग टेम्परेचर पर देखते हैं तो ये संबंध होता है V1/T1=V2/T2 और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो D=m/V। तो यदि हम V=2 करेंगे तो m/D होगा। तो यहाँ पर यदि इसी V के मान को चार्ल्स के नियम में जो V1 है या V2 है वहाँ हम रखेंगे तो किस प्रकार से संबंध प्राप्त होगा, यहाँ पर हम गैस के निश्चित द्रव्यमान की बात करते हैं तो m को हम स्थिर कर सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो संबंध प्राप्त होगा m/D1×T1=m/D2×T2। तो यहाँ जो m कॉमन है तो D1×T1=D2×T2, इस प्रकार से एक संबंध प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि DT=स्थिरांक, तो D1T1=1 एक स्थिरांक प्राप्त हुआ। तो D व्युत्क्रमानुपाती 1/T, तो घनत्व और तापमान के मध्य हम एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध को देखते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा घनत्व में कमी होगी, तापमान कम किया जाएगा घनत्व में वृद्धि होती है। तो D व्युत्क्रमानुपाती होता है T के, D inversely proportional 1/T के। तो ये संबंध जो घनत्व और तापमान के मध्य संबंध है इसको चार्ल्स के नियम के अनुसार जब व्यक्त किया जाएगा तो ये संबंध इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर गैस का जो घनत्व है वह उसके परम तापक्रम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे हम जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करते हैं घनत्व में कमी होती जाती है।